Very good morning to all of you. Welcome to the session of Indian Accounting Standard 32109. हमारे जो questions pending है वो सारे के सारे हम लोग अभी cover करने वाले हैं. कल हम लोगों ने part 1 किया था, काफी सारे questions कल cover हो गए थे. हमारे जो questions आज हम बचे हुए questions पूरे के पूरे cover करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सब लोगों को एक request रहेगा कि channel को subscribe जरूर कर लीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा. सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 16 से हम हर रोज लाइव जाएंगे. वेरी गुड मॉर्निंग निकेत जी. 16 से हम हर रोज लाइव जाएंगे. ठीक है, 10 बजे सुबह हर रोज सेशन स्टार्ट होगा और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके पास RTP MTP एग्जाम क्वेश्चन जो आए हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. जैसे कल से मैं बिजनेस को शेयर बेस पेमेंट शुरू कर दूंगा, उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन शुरू करूंगा. ऐसे कल मैं आप लोगों को पूरा शेड्यूल भी दे दूंगा कमिंग डेज का. वेरी गुड मॉर्निंग किरण जी. तो ऐसे हम लोग सारे के सारे स्टैंडर्ड उठाएंगे और एक एक स्टैंडर्ड के पास एग्जाम क्वेश्चन पूरे कवर कर लेंगे. अब तक हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लिया है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा एक पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं आज कर. रफली 8 क्वेश्चन हमको कवर करना है. ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो मूविंग अहेड विद द सेशन, स्टार्ट करते हैं. फिलहाल है हम लोग MTP, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ MTP कौन सा है. वी आर ऑन पेज नंबर 9. दिस इज MTP मार्च 19. ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6B. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6B, चलिए आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट अप्रैल 2018, 8% कन्वर्टेबल लोन, नॉमिनल वैल्यू 6 लाख, इशूड एट पार. तो पार वैल्यू के ऊपर आपने इशू किया. रिडीमेबल है 31 मार्च 2022, ध्यान दीजिएगा 4 साल. इंस्टीट्यूट ने ना एक अटेम्प्ट में क्या किया, यहां पे 4 साल का पीरियड दिया, पर जो PV फैक्टर दिया ना ये 5 साल के दे दिए. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें सिर्फ 4 साल के पीवी फैक्टर उठाना है. ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे पीवी फैक्टर उठा ले, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, 100 न्यू शेयर्स वर्थ 200, यानी कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, 8% इंटरेस्ट है, साथ में कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है. तो ऐसे में मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्विटी भी है और इंटरेस्ट भी. अब दो तीन बातें समझिए, लाइबिलिटी भी है. निकेत जी का कहना है सर प्लीज प्रोवाइड अ फाइल कंटेनिंग ऑल द क्वेश्चंस एज डिस्कस इन लाइव क्वेश्चन एवरी डे. निकेत जी मैं कोशिश जरूर करूंगा. इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जो PDF फाइल होती है सिक्योर्ड होती है इंस्टीट्यूट की, तो यू कैन नॉट कॉपी इट. ठीक है, तो मैं एक जगह पे पहले पूरे के पूरे RTP MTP पास एग्जाम पेपर्स तो डाल ही दूंगा, पर आप जो कंपाइलेशन बोल रहे हैं वो बनाने को मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, पर इसीलिए हर क्वेश्चन के स्टार्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा वाला है, आप लिख के रखिए ये. मोरओवर दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रहता है, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है, मेरे साथ सिर्फ कंसेप्ट समझिए. ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ गए, देखिए मेरी कोशिश क्या है निकेत जी, मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के दौरान आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे हो जाए, वापस आपको MTP RTP पास एग्जाम पेपर नहीं उठाना पड़े. मेरे वीडियो के बाद आपको पढ़ना ही है, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें. ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं. तो डोंट वरी, मतलब आप लोग जो सोचते हैं ना कि अपन एक 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 पेज ढूंढेंगे उस पर टाइम मत लगाइए. आप वैसे भी मेरे साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहता है, मेरे साथ सिर्फ सॉल्व कीजिए. आप लोग सब समझिए, हम यहाँ पे बैठे हैं एक घंटा पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, एक घंटा दो घंटा जितना भी टाइम लग रहा है. ठीक है, सो डोंट वरी, क्वेश्चन आपके पास बैकग्राउंड बैकअप में सामने दिखना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. सो डोंट वरी, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए बस. चलिए, तो जैसा कि मैं बोल रहा था दो तीन बातें मैंने बोली. एक, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी होता, पूरा 100%. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं वेरिएबल होते, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं होते वेरिएबल होते तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी है, हम इसे इक्विटी नहीं बोलते, हम इसे इक्विटी नहीं बोलते. ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना वर्षा जी, आप मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए, बस कैलकुलेटर लेके बैठिए आप मेरे साथ लिखिए मत,
आप लोगों का कंसेप्ट क्या होना चाहिए मेरे साथ जब आप लोग यहां पे बैठे हैं, ठीक है? आप लोगों को हमारे मेरे साथ सुनना है हर क्वेश्चन को, इसके बाद आप लोग मॉड्यूल पढ़िए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कीजिए। आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर्स तो मैं पूरे करा दे रहा हूं ताकि आपको वापस ये सब देखना नहीं पड़े। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? चलिए आइए। तो जैसा कि मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं दो तीन बातें यहां पे बता देता हूं। एक तो अरे यार, इंटरेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, अगर इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसमें डेट भी है इक्विटी भी है। इंटरेस्ट है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से लायबिलिटी है, पूरे तरीके से, ठीक है? ये सब बातें अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अब तक तो पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने, पर जैन 21 पेपर के बाद आप समझ गए होंगे इंस्टीट्यूट अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है क्वेश्चंस पूछने का, तो ये बेसिक कंसेप्ट से जो आप पता रहना चाहिए, ठीक है? कल दीपक जी, कल मैं पूरा शेड्यूल दे दूंगा, कल से मैं आने वाले दिनों का पूरा शेड्यूल दे दूंगा, कब कब कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है? इंटरेस्ट नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, तो पूरे तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है। इंटरेस्ट नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल है, पूरे तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी है, ठीक है? ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब वैसे तो ये जो लास्ट वाला, ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहला सकता है लास्ट वाला केस, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल देने का ऑब्लिगेशन है, पर वो वेरिएबल जो वर्ड है ना, वो अपन ने डिफाइन नहीं किया है कि वेरिएबल का क्या मतलब है। एक फिक्स अमाउंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ठीक है? तो इसीलिए लास्ट वाले को मैं एक बार का लायबिलिटी लिख के छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सो मूविंग एंड, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा? अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ऑल्टरनेटिवली इट मे, यानी ऑप्शनली कन्वर्टेबल शेयर्स, ठीक है? कुछ बातें और आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, मैं फिक्स बता रहा हूं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल, यानी कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे ही होंगे इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट लेना है, जिसे हम डेट कंपोनेंट बोलेंगे, जिसे हम डेट कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है? अमाउंट रिसीव, जो इनिशियली अमाउंट मिलता है, माइनस ये जो डेट कंपोनेंट है, उसे हम इक्विटी कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है? एक मिनट सर, शेड्यूल कब देंगे? ओके, लास्ट वाला इक्विटी कैसे हो सकता है, कैसे केस बनेगा? ओके, देखिए आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि लेट से 10 लाख रुपए का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 10 लाख रुपए का, एंड में 10 लाख रुपए के बदले आपको 10 लाख रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स नहीं बताया, उस दिन के मार्केट प्राइस पे 10 लाख रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है? शेयर्स नहीं बताया, ठीक है? इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी है, मैनेजमेंट को देना है तो देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी, प्रेफरेंस शेयर्स है बेसिकली, वो क्या बोला था, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, समझ में आ रहा है? यानी इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी है, प्रिंसिपल जो है उसके बदले में वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो प्रिंसिपल तो लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 10 लाख रुपए के आपको शेयर्स देना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू डेट हो गया, उसका प्रेजेंट वैल्यू डेट, पर इंटरेस्ट तो डिस्क्रिशनरी है, तो वो इक्विटी हो गया, ठीक है? आई होप अभी समझ गया होगा वर्षा जी। चलिए ये पहला, अरे यार ये पहला केस है कंपल्सरी कन्वर्टेबल वाला, दूसरा वाला केस देखिए, ठीक है? ऑप्शनल कन्वर्टेबल वाला, ठीक है? क्लिक, समझा नहीं वर्षा जी आपका डाउट क्या? ऑप्शनली कन्वर्टेबल, और अगर ऑप्शन होल्डर के पास है, इश्यूअर के पास नहीं है, तो डेट क्या होगा? डेट होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये वाला बोल रहे हैं ना आप? हाँ, फिर ये सीएफआई हो जाएगा ना, फिर ये सीएफआई हो जाएगा। मतलब मैंने आपको क्या कहा, फिलहाल मैंने वेरिएबल अच्छे से डिफाइन नहीं किया, ऐसे वीक क्वेश्चन मैंने आपको डिफाइन किया, तो एक क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं सीएफआई हो गया, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल है वो डेट कंपोनेंट हो गया और बाकी का इक्विटी हो गया, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ओके ओके। और दूसरे वाले में इक्विटी क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा
अमाउंट रिसीव्ड माइनस ऊपर जो आपने डेट कंपोनेंट निकाला था, ठीक है। अब अगर ऑप्शन इशुअर के पास होगा तो डिस्क्रिशनरी हो गया ना, आपके डिस्क्रिशन पे कि आपको फिक्स अमाउंट देना है या नहीं देना है। व्हेनेवर देयर इज अ डिस्क्रिशन, ये लायबिलिटी के डेफिनेशन में दिया हुआ है, लायबिलिटी के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑप्शन है टू डेफर द पेमेंट, या पेमेंट को आप अदर देन मनी, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेटल कर सकते हैं, यानी फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप उसे लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। इशुअर के पास ऑप्शन आ जाए कि मैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दे सकता हूं, मतलब आप कैश में सेटल नहीं कर रहे, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ गया ना, दैट इज व्हाई 100% इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी अ लायबिलिटी, सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट को आप लायबिलिटी बोलेंगे। तो इशुअर के केस में यही कहानी हो जाएगी। तो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर टू रूल्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ इशुअर। कंपल्सरी कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ इशुअर, इसमें डेट कंपोनेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। कई स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए आज मैंने इसके ऊपर इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। कंपल्सरी कन्वर्टेबल या फिर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ इशुअर, इन दोनों केस में आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के प्रेजेंट वैल्यू से आप डेट कंपोनेंट निकालते हैं। और इक्विटी कंपोनेंट क्या होता है? इक्विटी कंपोनेंट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट है बोलिएगा प्लीज। और ऑप्शनली कन्वर्टेबल, जो इंस्टीट्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछती है वो ये वाला है। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल एग्जाम में या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल में आए हैं, इशुअर के ऊपर अब तक नहीं आया है। एक्सपेक्ट कीजिए, अगर इंस्टीट्यूट लेवल बढ़ा रहा है तो अब इशुअर के ऊपर पूछ लेगा, ठीक है। चलो, सो विद दिस, इस क्वेश्चन में एन अमाउंट इक्विवेलेंट लोन विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से आपको डिस्काउंटिंग करना है। पीवी फैक्टर दिया है, एग्जाम में याद रखना कैलकुलेटर वाले पीवी फैक्टर्स यूज नहीं करना, इफ पीवी फैक्टर इज गिवन आपको यही पीवी फैक्टर्स यूज करना है। फटाफट मुझे डेट कंपोनेंट निकाल के बताइए, आप 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं 6 लाख पे, वो भी उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया है, हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% 4 साल, किस पे? इंटरेस्ट पे जो उन्होंने दिया आपको 48,000, प्लस पीवी फैक्टर 10% 4 साल 6 लाख पे, बराबर, क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, ये हो गया डेट कंपोनेंट। फटाफट निकाल के बताइए, प्लीज कैलकुलेट कीजिए साथ साथ में मेरे, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। तो किरण जी का आंसर है 560, करेक्ट। तो हमारा डेट कंपोनेंट आ रहा है 560, यानी इक्विटी कंपोनेंट जो कि हमारा डिफरेंस आएगा 6 लाख से 560 160 से हो जाएगा 39,840, ठीक है। अब आप बताएंगे, आप लोग, अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है तो कितना आएगा बताइए, प्लीज कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करके बताइए। अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल होता या ऑप्शन होता इशुअर के पास, ऑप्शन होता इशुअर के पास, तो आपका डेट कंपोनेंट कितना आता बताइए मुझे, कैलकुलेट करके कितना आता आपका डेट कंपोनेंट? ठीक है, अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल होता या ऑप्शन इशुअर के पास होता, ठीक है, बताइए कैलकुलेट करके बताइए फटाफट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तो वर्षा जी का आंसर आया 152,160, करेक्ट। यही तो रूल तो यहां बताया ना, प्रेजेंट वैल्यू आप सिर्फ इंटरेस्ट का लेते थे, तो डेट कंपोनेंट होता 152,160, ठीक है, और इक्विटी कंपोनेंट होता बैलेंस 6 लाख माइनस 152,160। दीज आर द टू रूल्स जो आपको पता रहना चाहिए। अब वो जो आप टेबल बनाते हैं, ओपनिंग इंटरेस्ट सिर्फ 1 साल का बता दे रहा हूं मैं आपको, पेमेंट क्लोजिंग
ओनली इंटरेस्ट का, वेरी गुड वर्षा जी। तो ओपनिंग होता 152-160, इस पे इंटरेस्ट लेते 152-16, पेमेंट लेते 48,000, सो 152-160 प्लस 152-16 माइनस 48,000 हो जाता 119,376, ठीक है सर। हु टू डू स्मॉल इंडेस लाइक इन्वेंट्री अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, हाउ टू डू स्मॉल इंडेस, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़िए दीपक जी, जो छोटे छोटे इंडेस है, वैसे इंडेस टू तो मैंने मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं चाहिए, एग्जाम में अगर इंडेस टू का क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है आप लोग खुद से ही अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको अटेम्प्ट करना। रही बात आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो आपने बोला, 108 जो आपने बोला ऑपरेटिंग सेगमेंट, मतलब सेगमेंट रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, रिलेटेड पार्टीज हो गए, इनके से क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, उसके ऊपर मत पढ़िए, जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे अगर इंस्टीट्यूट थोड़ा इधर उधर घुमाता भी है तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि अपन डिटेल में पूरा उसका कंसेप्ट पढ़ सके अभी, और इंडेस टू जैसे स्टैंडर्ड तो मत ही पढ़िए, ठीक है, वो मुझे लगता है कोई सीएस स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो इंडेस टू इतना आता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे बिना पढ़े भी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ गया होगा। सो दिस वॉज एमटीपी मार्च 2019, आगे बढ़े, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगला है एमटीपी अक्टूबर 19, ठीक है, ओके। एबीसी कंपनी ने इश्यू किए 10,000, देखिए कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगर मैं यहां पे, चलिए क्वेश्चन थोड़ी देर में चेंज करता हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001, द रेट ऑफ डिविडेंड 10% पेबल एवरी ईयर, हर साल 10% इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर के एंड में, 5 साल का टर्म है, ये क्लियर कर दिया। व्हेन सीसीपीएस वर इशूड, प्रिवेलिंग मार्केट रेट था 15%, ठीक है, तो कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर मैं यहां नॉन क्यूमुलेटिव लिख देता, तो आप क्या बोलते, क्या ये जो अमाउंट आपको मिला है ये डेट है, इक्विटी है, या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? अगर मैं वहां नॉन क्यूमुलेटिव लिख दूं तो ये डेट है, इक्विटी है, या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? बताइए मुझे, जो ठीक लगे आप लोगों को बताइए मुझे प्लीज, बताइए ट्राई कीजिए प्लीज, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ट्राई कीजिए, ठीक है। अरे बताइए, अगर मैं नॉन क्यूमुलेटिव लिख दूं ना तो ये पूरे तरीके से इक्विटी हो गया, क्यों, इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशन पे है और शेयर्स भी फिक्स्ड है, इंटरेस्ट देने का भी ऑब्लिगेशन नहीं है, शेयर्स फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स कन्वर्शन तो इक्विटी कहलाता है, यानी पूरे तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी कहलाता था 100% तरीके से, वेरी गुड निकित जी, बस यही आंसर चाहिए हमको, 100% इक्विटी कहलाता था, ठीक है। आई होप यहां तक के क्लियर होगा, कोई भी डाउट होगा तो बोलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों ने यही आंसर दिया, वेरी गुड मोहित जी, ठीक है। तो अब यहां पे तो कंपलसरी कन्वर्टेबल लिखा है, अब भी हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया था, मुझे बताइए यहां पे डेट कंपोनेंट क्या होगा, यानी आपको क्या लिखना है, आई और पी करके, इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई प्लस पी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी, यहां पे अभी हटा दे रहा हूं मैं नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव हटा दे रहा हूं, कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेजेंट वैल्यू किसका आएगा, आई का, आई प्लस पी का, सिर्फ पी का, जो ठीक लगे बताइए मुझे, नहीं अभी मैंने क्यूमुलेटिव कर दिया, उसके बेसिस पे बताइए वर्षा जी, उसके बेसिस पे बताइए, अभी मैंने चेंज किया ना थोड़ा सा, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या लेंगे, तो निकित जी का कहना है सर बोथ डिस्क सिर्फ इंटरेस्ट, किरण जी का कहना है सिर्फ इंटरेस्ट,
वेरी गुड, यस सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। देखिए बस यही कॉन्सेप्ट्स मुझे आप लोगों को समझाने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ गए, अब क्या होगा, आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों के फिर भी डाउट आएंगे। इंस्टीट्यूट ने ना मॉड्यूल में क्वेश्चन देकर रखा है जहां पे ऑप्शन ऑफ इश्यूअर लिखा हुआ है, इश्यूअर के डिस्क्रिप्शन पे, और उन्होंने उसमें प्रिंसिपल को भी डिस्काउंट कर दिया, तो मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की। मैंने भी मेल किया था, मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग भी मेल कीजिए इंस्टीट्यूट को। जब लास्ट अटेम्प्ट था तब ऐसे कई सारे मिस्टेक्स मैंने मार्कआउट किए थे और स्टूडेंट्स ने मेल भी किए थे इंस्टीट्यूट को, चार क्वेश्चन तो रेक्टिफाई हो गए थे। इंडिया एएस 33 का एक क्वेश्चन था, 109 का भी एक क्वेश्चन था, तो मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि मेल कीजिए, वहां पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि सर इंस्टीट्यूट ने तो इश्यूअर वाले में प्रिंसिपल को डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है, तो जरूरत नहीं रहती, वहां गलती है इंस्टीट्यूट की। चलिए मोरओवर कई बार थोड़ा सा स्ट्रीमिंग का इशू आया था, नाउ इट इज बैक। हाँ भाई, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन नंबर है निखिल जी अभी मुझे याद नहीं है, पर जब आप पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, आप जब गोथ्रू करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में दिखेगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चार पांच ही क्वेश्चन है, उनमें से एक में लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, वर्डिंग्स में दिया हुआ और उन्होंने वहां प्रिंसिपल को भी डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, मिल जाएगा आप जब पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको ऐसे ही दिख जाएगा, यू वोंट नीड दैट। चलिए ये क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ऑल्टर करता हूं, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन शायद आगे एमटीपी वगैरह में आएगा, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। अगर मैच्योरिटी पे प्रीमियम है, यानी लेट से 20 लाख रुपए, यहां तो आपने इंस्ट्रूमेंट 15 लाख का इशू किया, 15 लाख का इशू किया है और मैच्योरिटी पे अमाउंट 20 लाख है, ठीक है, तो देखो आपने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू जो हमें लेना है वो प्रेजेंट वैल्यू हमें इंटरेस्ट की लेना है, 5 साल 10%, ये हमको लेना है इंटरेस्ट की। मैं इंटरेस्ट का अमाउंट एक बार फटाफट ले लेता हूं, ठीक है ना, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, मैं वो पूछने के लिए कर रहा हूं, 10%, अच्छा नहीं ये 15% है, ये 15 है, तो 10% 15 लाख का 1,50,000, 1.5 लाख रुपीज, ठीक है। चलो तो ये आप लोगों ने बोला मुझे कि ये डेट है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इक्विटी क्या होगी, मैच्योरिटी पे 20 लाख देना है, मैच्योरिटी पे 20 लाख रुपए के शेयर्स कन्वर्ट होंगे, मैच्योरिटी में 20 लाख रुपए के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट होंगे या जो भी है, तो 20 लाख रुपीस माइनस डेट कंपोनेंट करना है या 15 लाख रुपीस माइनस डेट कंपोनेंट, कौन सा सही ऑप्शन है बताइए, कौन सा सही ऑप्शन है दोनों में से, ठीक है। मैच्योरिटी पे प्रीमियम रिडेम्पशन है 20 लाख रुपए का, आप बोलोगे सर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, शेयर्स फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वर्थ 20 लाख रुपीस, ऐसा पकड़ लो ना, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वर्थ 20 लाख रुपीस, तो कौन सा सही लग रहा है, इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, 20 लाख माइनस डेट कंपोनेंट या 15 लाख माइनस डेट कंपोनेंट, तो निखिल जी का कहना है 20 लाख रुपए माइनस डेट कंपोनेंट, ठीक है। और भी लोग अटेम्प्ट कीजिए ना प्लीज, देखिए मेरी इच्छा है इस वीडियो के साथ आपके कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 100% क्लियर है, हर अटेम्प्ट में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप कैसा भी घुमाएं इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन जम जाना चाहिए, मेरा अल्टीमेट मोटिव ये है, आप लोग आंसर करेंगे तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, 20 लाख रुपए, ओके, बस ये गलती है, मार्क कर लीजिए ये गलती है, 15 लाख रुपए हम यहां पे क्या लिखते हैं, देखिए मैंने आपको यहां पे वही लिखाया था, अमाउंट रिसीव्ड लिखना है आपको, ठीक है ना, मिला तो 15 लाख है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं ना, मिला तो 15 लाख है, 15 लाख माइनस डेट हम लिखते क्या, आप ये देखिए, कैश डेबिट 15 लाख, ठीक है, टू डेट कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट, अब अगर आप यहां 20 लाख से माइनस करके लिख देंगे तो ये तो मैच ही नहीं करेगा ना, अमाउंट ही मैच नहीं करेगा आपका, आपको दिक्कत हो जाएगी ऐसे, तो ये नहीं होगा, 15 लाख रुपए रहेगा, ठीक है, 15 लाख रुपए, ये समझ गए पहला पार्ट, बोलिए कोई कंफ्यूजन इसको लेके, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है मैं आगे लिख रहा हूं, पर आपके कंफ्यूजन पूछिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछिए, यहां पे एग्जाम आपको देनी है, पास आपको करना है, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन जो आता है ना दिमाग में डाउट पूछ लेना, डेट को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, हाँ डेट को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है सेम, डेट को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, डेट को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, वो वाला ऑप्शन है, तो जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे आप तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लगेगा इंटरेस्ट को, बराबर, फिर उसमें आप पीवी फैक्टर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये पीवी फैक्टर
15 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे या 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताइए। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये किसको होगा, ये समझाइए मुझे, किसको होगा ये मल्टीप्लीकेशन, 15 लाख को या 20 लाख को? ट्राई कीजिए, गलत आ सकता है आंसर, टेंशन नहीं लेना आंसर गलत आता है तो, ठीक है। वर्षा जी आपका डाउट क्लियर है ना, पिछले वाले पॉइंट को लेके कोई भी किसी को डाउट है तो बिल्कुल बोलो मेरे को, नहीं सर नहीं समझ में आया, अपन वापस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया एग्जाम में क्वेश्चन यही वाला तो फिर है ना, तो निकेश जी का कहना है 20 लाख रुपए। ओके यस 20 लाख रुपीज। क्यों? हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज लेते हैं, तो फ्यूचर आउटफ्लो तो 20 लाख होगा ना, 20 लाख, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख से लेंगे। अगेन जब इक्विटी निकालेंगे तो 15 लाख से ही माइनस करना है ऊपर का डेट कंपोनेंट, 20 से माइनस नहीं करना है, ठीक है। होल्डर के ऑप्शन पे, ठीक है। तो 15 लाख माइनस डेट जो आपने ये यहां पे निकाला, इसी का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप अभी पूरा क्लियर होगा, ठीक है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हर तरह का जैसा जैसा ऑप्शन बन सकता है, अपन सारे के सारे ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, जिस जो भी चीज इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, जैसा भी इसको घुमा सकती है वो सब पूछ रहे हैं। इसके बाद एक और बचा है अभी, 50% कंपलसरी कन्वर्ट होगा और 50% कैश देंगे, वो क्वेश्चन है आगे, इसीलिए वो मैं अभी नहीं करा रहा, वो क्वेश्चन के साथ कराता हूं। 50% कंपलसरी और 50% कैश, उसमें भी प्रीमियम डाल के रखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, 5A, ये अपने को सॉल्व नहीं करना, मतलब मैंने कराया भी नहीं आपको सॉल्व, पर अब जम जाएगा, कुछ लग नहीं रहा है इसमें कुछ बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं, सर ब्रिंग समथिंग सिमिलर फॉर ओल्ड कोर स्टूडेंट। पलेश जी मैं ओल्ड कोर स्टूडेंट्स के लिए 16 मार्च पकड़ के चलिए, 16 मार्च से स्टार्ट करूंगा, तब तक के हम लोग न्यू सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट, सारे इंडिया कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में मैं ओल्ड सिलेबस शुरू कर सकता हूँ। मोर ओवर पलेश जी, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने पूरा का पूरा कोर्स 100% जो फास्ट ट्रैक होता है आप लोगों का, जिसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, वो तो मैंने पूरे डाल रखे हैं, कंसोलिडेशन पूरा, अमेलगमेशन पूरा, वैल्यूएशन पूरा, शेयर बेस पेमेंट पूरा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे के पूरे चैनल में अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ओल्ड सिलेबस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के अंदर में भी मिल जाएगी। तो वहां तो 80 आवर्स है वो रफली, आप अगर आज भी स्टार्ट करते हैं वो 80 आवर्स में आपके पूरे मॉड्यूल क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके नोट्स भी शेयर किए हैं मैंने, यानी आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो नोट्स भी शेयर्ड है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए तो 100% पूरा का पूरा अपन कंटेंट दे चुके हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं उस तरह से, ठीक है। चलिए पलेश जी आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अगला। नाउ वी आर ऑन MTP October 2020, ये है C2C, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मैं अब तक ये बोल सकता हूं आपको, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। 1 April 2019, शेल्टर लिमिटेड इशूड 5008% डिवेंचर्स मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2024, 5 साल। द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर एट कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर, फेस वैल्यू 100, यानी फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली इन कैश, इंटरेस्ट पूरा का पूरा कैश में पे हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ इशू शेल्टर लिमिटेड could have issued non-convertible debt 5-year term bearing interest 12%। अब इसके आगे कहानी 1 April 2022 को चलेगी, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। आप मुझे, अब तक के आप लोग इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तक हमने जो भी कैलकुलेशंस किए, आप मुझे यहां तक के डेट और इक्विटी कंपोनेंट का स्प्लिट निकाल के दे दीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को आता है तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, आप लोग करके दीजिए। देखिए पीवी फैक्टर्स भी आपके स्क्रीन पे है, वही वाले पीवी फैक्टर यूज करना जो इंस्टीट्यूट ने दिए, ठीक है। 5000 यानी प्रिंसिपल 5 लाख रुपए हुआ, प्रिंसिपल 5 लाख है, उस पर 8% इंटरेस्ट आप दे रहे हैं और मार्केट रेट है 12% विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। फटाफट डेट और इक्विटी को स्प्लिट करके दीजिए, फटाफट डेट और इक्विटी को मुझे स्प्लिट करके दीजिए।
स्क्रॉल डाउन, पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर दिख तो रहा है स्क्रीन पे, और नीचे करूं, आपने सिर्फ इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया मेरे हिसाब से। अच्छा, बताइए ₹427,700। वेरी गुड किरण जी, वेरी गुड। ₹144,200 इज डेट। निकित जी, आपने जो वैल्यू निकाली, आई थिंक आपने ये वाले पीवी फैक्टर्स ले लिए। मैंने कहा था 12% है, मैंने येलो मार्क भी किया, ठीक है। सो 427,700, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन था, आपने डेट दिखाया 427,700, आपने इक्विटी दिखाया 72,300। अब 1 अप्रैल 2022 आ गया, मतलब 2021, 2022 तीन साल हो चुके हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टैबुलेट कर दीजिए, ठीक है, पूरा तीन साल, या फिर बचे हुए दो साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। दोनों का मतलब सेम ही आएगा, या तो आप टैबुलेट कर दीजिए या बचे हुए दो साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, एग्जाम में दोनों भी कर सकते हैं। मैं जनरली ये सजेस्ट नहीं करता क्योंकि इसको टाइम लगता है। मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू ले लो आप लोग, बात एक ही, आंसर सेम ही आता है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद प्रेजेंट वैल्यू, टेबल बनाइए। टाइम लगना कभी कभी वर्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, अश्योर्ड है। मैं फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूं। हम बोलेंगे कि डेट का कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं बोल रहा हूं आपको, है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 12%, दो साल बचे हुए, दो साल, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर नहीं, हम थर्ड ईयर के एंड में बैठे हैं। इसके एक साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे और इसके दो साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर बोल रहा हूं। प्लस 500,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ डाउट छूट गया मेरे। वर्षा जी का कहना है कैसा आया 427,700, एक मिनट रुकिए। वर्षा जी, आपने 144,200 निकाला ही था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आया था कुछ 0.567 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख्स, 283,500 हो गया ना, 427,700। आकांक्षा जी का कहना है, सर इज देयर एनी शेड्यूल फॉर दिस एनडीएस रिवीजन, प्लीज शेयर सो दैट वी कैन प्रिपेयर इन एडवांस। यस आकांक्षा जी, मैं कल शेड्यूल शेयर करूंगा, मैंने 16th का बोल के रखा है, कल से मैं पूरा शेड्यूल शेयर करूंगा। आज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तक के हो जाएंगे पूरे, कल से शेयर बेस पेमेंट शुरू करूंगा और उसके आगे मैं पूरा शेड्यूल दे दूंगा आने वाले दिनों में क्या क्या शेड्यूल रहेगा हमारा, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इंटू पीवी फैक्टर 12% 2 years, ये हो गया 31st मार्च यानी 1 अप्रैल 2022 को कैरिंग अमाउंट, ठीक है। देखिए $67,600, और किसी को अगर ये नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिएगा, ये वैल्यूज अगर आपको नहीं आई है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 40,000 और ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 50,000। फोर्थ और फिफ्थ ईयर नहीं लेना है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर लेना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर लेना है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर नहीं लेना है, ठीक है।
मुरवर सब लोगों को अभी मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगी मैं लाइव आ रहा हूँ। हर रोज 10 बजे इंडिया का शेड्यूल रहेगा हमारा, हर रोज 10 बजे हम लोग सेशन रखेंगे, ठीक है। इसीलिए बढ़ू आगे बढ़ू, समझ गया क्या? समझ गया। थ्री इयर्स क्यों लेंगे, 3 साल हो गए ना, हम हैं 1 अप्रैल 2022 में, तो 1920 2021 2022 दो 3 साल तो हो गए, 22 23 23 24 दो ही तो साल बचे हैं, 3 साल हो गए। मैं कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूं ना, मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। देखो दिस इज 1 अप्रैल 19, दिस इज 1 अप्रैल 22, ये 3 साल है और आगे के 2 साल है। प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर का लेता है ना, मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिया है, मैंने कंपाउंडिंग थोड़ी की है, मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिया है। मैंने फ्यूचर डेट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, आप मुझे कंपाउंडिंग करने बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आया क्या? ये कैरिंग अमाउंट है और प्रेजेंट वैल्यू पहले वाले क्यों लिए सर? पीवी फैक्टर पहले वाले क्यों लिए? क्योंकि हम कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं। मैंने आपको ये देखिए, ये देखिए, अपन ना ये टेबल बनाते हैं। हाँ 19 एंड 20 कहां बोला मैंने? 19 एंड 20 नहीं बोला ना बाबा, 23 24 बोला। यहां पे देखो ना, आपका ओपनिंग है 427 700, इस पे आप इंटरेस्ट 12% लोगे, 51324 पे कर रहे हो 40,000, तो क्लोजिंग हो गया 439024, इस पे 12% हो गया 52683, पे अभी भी 40,000 कर रहे हो, फोर फाइव वन सेवन जीरो सेवन पे इंटरेस्ट 12%, 54205 पे अभी भी वही कर रहे हो, 465912। ठीक है, तो हमारा आंसर थोड़ा सा लगा रहा है, कुछ 200 रुपए का फर्क है, 200 रुपए का फर्क है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इंटरेस्ट 12% से लिया है, तो या तो मैं कंपाउंडिंग करूं, ये जो रेड पेन में लिखा है कंपाउंडिंग है 3 साल 12%, या फिर मैं डिस्काउंटिंग करूं बचे हुए 2 साल को यही रेट 12% से डिस्काउंट कर दूं। मैं कैरिंग अमाउंट निकाल रहा हूं, मैं फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहा, आप समझिए। आप जब मेरे को बोलेंगे कि सर रेट तो 2022 का होना चाहिए, वो फेयर वैल्यू बताएगा, अभी निकालना है हमको वो भी, अभी उसका भी काम है, पर अभी कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, ये जो है ये कैरिंग अमाउंट निकला है। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है, बताइए ये कैरिंग अमाउंट निकाला है अभी अपन ने। ओके मूविंग अहेड, इक्विटी तो अपना उतना ही था, इक्विटी का तो सब्सिक्वेंट चेंज होता ही नहीं है कुछ वैल्यू, तो इक्विटी 72300 है। कई स्टूडेंट्स को आदत होती है यहां वापस से 5 लाख रुपीज माइनस 466100 कर देंगे, नहीं बाबा इक्विटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इक्विटी इज 72300, इक्विटी रिमेन्स द सेम, इक्विटी डजंट चेंज। ठीक है, इक्विटी चेंज नहीं होगा, ये समझ गया। ये गलती मैंने इतने पेपर्स में देखी है स्टूडेंट्स की, यहां इक्विटी में लिख देते हैं 5 लाख रुपीज माइनस 466100, या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या उस समय टेंशन में होता है अपन एग्जाम में सॉल्व करते समय, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं मेरे बुक्स में डेट कंपोनेंट थोड़ा पीछे लिखता हूं, डेट कंपोनेंट दिख रहा है 466100, ठीक है, इक्विटी कंपोनेंट दिख रहा है 72300, कैरिंग अमाउंट यानी ओवरऑल कैरिंग अमाउंट है 538400, इक्विटी पहले जो निकाला था वही जो ओरिजिनली निकाला था 1 अप्रैल 19 को जो निकाला था
वो ये वर्षा जी चेंज ही नहीं हुआ, वो इक्विटी को अपन ने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, पहली बार जब आपने डिस्काउंट किया था 4227 and 4277 00 और 72300 दो वैल्यू निकाली थी ना, वो वाली है। अब क्या हुआ 1st April 22 की, अब अपन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में है। 1st April 22 कन्वर्टेबल डिबेंचर एज अ फेयर वैल्यू 5,25,000 शेल्टर लिमिटेड मेड अ टेंडर ऑफर रीपर्चेज द डिबेंचर, रीपर्चेज कर रहे हैं आप 525 में, जो होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन का मार्केट रेट 9% था, यानी आप इस इंस्ट्रूमेंट के बदले 5,25,000 रुपीस दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए, आप इस इंस्ट्रूमेंट के बदले 5,25,000 रुपीस दे रहे हैं, आप कुछ पैसे कम दे रहे हैं, आप 13,400 कम दे रहे हैं। तो ये जो आपने अमाउंट कम दिया, इसको मैं कहां डालूं, क्या मैं इसे पीएल में डाल दूं? डिबेंचर अगर प्रीमियम पे रिडीम होता है तो डिफरेंस पीएल में जाता है, डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे रिडीम होता है तो डिफरेंस पीएल में जाता है, सही बोल रहा हूं। इक्विटी अगर प्रीमियम पे रिडीम होती है तो डिफरेंस शेयर प्रीमियम से एडजस्ट होता है, इक्विटी अगर डिस्काउंट पे रिडीम होती है तो डिफरेंस अगेन शेयर प्रीमियम में ही एडजस्ट होता है। कुछ भी हो, इक्विटी का डिफरेंस शेयर प्रीमियम में जाता है, डेट का डिफरेंस पीएल में जाता है, समझ गए। यहां कंफ्यूजन आ गया, कहां डालें? अब ये डिसाइड करना पड़ेगा, जब भी आप कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बायबैक करते हैं तो आप इक्विटी का फेयर वैल्यू नहीं बता सकते, ये बात ध्यान रखिए, अच्छे से बोल रहा हूं, इक्विटी का फेयर वैल्यू नहीं बता सकते, बायबैक फेयर वैल्यू पे होगा, बायबैक फेयर वैल्यू से कम पे तो होगा ही नहीं, फेयर वैल्यू से ज्यादा पे हो सकता है मे बी, पर बायबैक फेयर वैल्यू से कम पे तो कुछ भी हो नहीं होगा, समझ गए, फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसे आप दोगे नहीं। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं फेयर वैल्यू इक्विटी की नहीं निकाल सकता, पर क्या मैं फेयर वैल्यू डेट की निकाल सकता हूं? सोच के देखिए, सोचना आप लोगों को पड़ेगा, जब आपने पहली बार ये जो वैल्यू निकाली थी 4277 00 तो या, अरे यार हाँ, तो ये आपने क्या निकाला था, ये आपने फेयर वैल्यू निकाला था डेट का, बराबर, फेयर वैल्यू कैसे निकाला था, मार्केट रेट से डिस्काउंट करके, उस समय मार्केट रेट 12% था। अब आप मुझे बताइए, यहां अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालना है 1st April 22 को डेट की, इक्विटी की नहीं निकाल सकता, डेट की, तो मैं फेयर वैल्यू क्या रेट से डिस्काउंट करके निकालूं, यानी डिस्काउंट करके ही निकलेगा, क्या रेट से निकालूं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने डिस्काउंट करके वैल्यू ही बता दिया एट 9%, ओके वेरी गुड, 9% से डिस्काउंट करेंगे, ये सब लोगों को समझ गया होगा, 9% वेरी गुड। दो साल का कैश फ्लो, दो ही साल बचे हैं, 40,000 का इंटरेस्ट, एन्यूटी फैक्टर 9%। निकित जी आपने फिर से ना वही गलती की है, मैं निकित जी आपको बोलूं, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट के दिए हुए पीवी फैक्टर्स ही यूज करना है एग्जाम में, ये याद रखना, आपका आंसर में 4-5 रुपए का डिफरेंस होगा, 50-100 रुपए का डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर का पी फैक्टर लिया, एग्जामिनर जीरो दे देगा, सीधा उठा के जीरो, कोई स्टेप मार्किंग नहीं, ठीक है, एग्जाम में वो गलती मत करना, ठीक है, यहां वाले पी फैक्टर्स ही देना, बट वेरी गुड, आप लोग सब लोग समझ गए, मेरा मेन मुद्दा वही था, 2 साल प्लस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 9% 2 ईयर्स, ओके। सो अब मुझे आप लोग फटाफट फेयर वैल्यू बता दीजिए, 9% से फटाफट फेयर वैल्यू बता दीजिए। एक बात याद रखेंगे, फेयर वैल्यू अकाउंटेड वैल्यू नहीं होती है, फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग नहीं हुई है, ठीक है, यह बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। वेरी गुड निखिल जी, 491 360, वेरी गुड, वर्षा जी आपको भी आ गया है, मतलब आप डेट बायबैक कर रहे होंगे 491 360 पे। अब मुझे बताइए आप इक्विटी कितने में बायबैक कर रहे होंगे, इक्विटी, वेरी गुड निखित जी, वेरी गुड, यानी इक्विटी बायबैक करने के लिए आप 33640 दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड।
इसका मतलब डेट बायबैक करने के लिए आप 25,260 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, समझिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं आप। कैरिंग अमाउंट 466,100 है, आप बायबैक के लिए 491,360 दे रहे हैं, आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और इक्विटी बायबैक कर रहे हैं आप डिस्काउंट पे। आई होप ये समझा। 38,660 इक्विटी आप बायबैक कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ठीक है? बताइए समझ में आया क्या? ये समझना बहुत जरूरी है, हमारी जर्नल एंट्री इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये वाला समझ में आया क्या मुझे बताइएगा। अब मैं आपको दो जर्नल एंट्री दूंगा। एक जर्नल एंट्री की आपने डेट का पेमेंट किया है 491,360, आपने तो टोटल 525 दिए हैं, आपने टोटल 525 दिए, मैं उसे दो टुकड़ों में बांट दूंगा। 491,360 के लिए आपने अलग से पेमेंट किया है और 33,640 का आपने अलग पेमेंट किया है। मैं आपको दो जर्नल एंट्री बताऊंगा, आप बाद में कंबाइन कर लीजिए, समझने के लिए दो अलग अलग जर्नल एंट्रीज पर रखिए उसे, ठीक है? नहीं आया, ओके। देखिए ये जो है, चालीस हजार इंटू वन पॉइंट सिक्स नाइन और पांच लाख इंटू 0.842, ठीक है? ऐसे आता है वर्षा जी, ऐसे आएगा। तो मैं तब तक की जर्नल एंट्री लिखता हूं, डेट डेबिट टू कैश, मैंने दिए 491,360, मुझे आप लोग बताइए, ट्राई कीजिए जरा, मैंने डेबिट में क्या लिखना है, 491,360 या 466,100? मैंने डेबिट में क्या लिखना है, 491,360 या 466,100? पहली लाइन में दो फिगर्स दिए हुए हैं, पहली लाइन में दो फिगर्स दिए हुए हैं, उन दोनों में से मैंने क्या लिखना है? नहीं वर्षा जी, मैं वही बता रहा हूं, मैंने इससे पहले भी यही बोला था, आखिरी के दो पीवी फैक्टर्स ऐड मत कीजिए, ये गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आप बैठे हैं ईयर थ्री के एंड में, ठीक है, 31 अप्रैल 2022, उस दिन से आपको बताना है, उस दिन से एक साल बाद कितना कैश मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और उस दिन से दो साल बाद कितना कैश मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। आप आखिरी के दो साल नहीं लेंगे, ठीक है ना? मैंने यही स्टार्टिंग में बताया था, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा प्लीज। आपको पहले दो साल की प्रेजेंट वैल्यू लेना है, क्यों? वी आर स्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल 22। अब आप 1st अप्रैल 22 से कैश फ्लोज की, फ्यूचर कैश फ्लोज, रिमेनिंग कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, यानी उस दिन से एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे और उस दिन से दो साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, नॉट फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, मिक्स नहीं करना उनको। आपका जो पहला डेट था वो चेंज हो चुका है, पहले 1st अप्रैल 19 को दिमाग में रख के पूरा कैलकुलेशन हुआ था, अब 1st अप्रैल 22 को दिमाग में रख के पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है? बताइए वर्षा जी, क्लियर है क्या? हाँ भाई, तो ये 25,260 जो है ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, पीएनएल में, क्योंकि डेट रीपे हो रहा है। बताइए वर्षा जी, क्लियर है क्या आपको? आगे बढ़ रहे हैं अपन, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके ओके, चलिए रुकिए दो मिनट, मैं एक ये जर्नल एंट्री खत्म कर देता हूँ वर्षा जी, बस ये जर्नल एंट्री मेरे साथ समझ लीजिए, मैं वापस से आपके टाइमलाइन के ऊपर लेके आता हूँ, वो चीज समझाता हूँ मैं आपको। जर्नल एंट्री समझ लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस पीएल में जाएगा, मैंने ये लिखा है पहला, ठीक है? पहले ये समझ लीजिए, हाँ टाइमलाइन बना के बताता हूँ। अब जब इक्विटी आप बायबैक कर रहे हैं, 72,300 की इक्विटी बायबैक कर रहे हैं 33,640 में, 33,640 में इक्विटी डेबिट टू कैश 33,640, वो इक्विटी जो आपके बुक्स में 72,300 की दिख रही है, डिफरेंस को अदर इक्विटी में डालेंगे, समझ लीजिए अदर इक्विटी में 38,660, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अदर इक्विटी में डालेंगे, ये अदर इक्विटी में, ऊपर वाला पीएल में। अब आपको चाहिए तो आप दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंबाइन किया जा सकता है, मैं अलग अलग ही रखता हूं हमेशा। क्या होता है कॉम्बिनेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पीएल डेबिट करने की जगह क्रेडिट हो जाता है, अदर इक्विटी डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है, गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं ऐसा ही लिखाता हूं हमेशा,
कि छोड़ो ना यार, अलग अलग लिखो क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनर को ऐसा थोड़ी कि समझ में नहीं आएगा जनरल एंट्री, मतलब उसके ऐसे ही एंट्री होगी, वो मैच कर लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक के समझ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या होता है, मैं लाइक करने क्यों बोलता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग लाइक करते हैं ना, तो यूट्यूब उतना ज्यादा ये वीडियो रिकमेंड करता है लोगों को, दूसरों को रिकमेंड होता है ऑफलाइन साइट से। ठीक है, इसीलिए वीडियो लाइक करने बोलता हूँ, और कोई रीजन नहीं है। चलो मूविंग अहेड, हम 1 अप्रैल 19 पे थे। ठीक है वर्षा जी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो इस पॉइंट पे आप फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे, आज से एक साल बाद 40,000 मिलेंगे, उसके एक साल बाद 40,000 मिलेंगे, उसके एक साल बाद 40,000 मिलेंगे, उसके एक साल बाद 40,000, और फाइनली 5,40,000 रुपए मिलेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद और पांच साल बाद मिलने वाले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। एक साल बाद जो पैसे मिलेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, दो साल बाद, तीन साल बाद, यानी क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं इसमें से। इसमें जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है वो हटा दे रहे हैं अपन। ठीक है, एट 12%। अब आ गए अपन इस दिन, ये दिन है 1 अप्रैल 22। अब मैं रेड पेन ले लेता हूं। अब मैं बोलता हूं मुझे इस दिन फेयर वैल्यू बताओ। अब इस दिन जो फेयर वैल्यू बताना है वो तो रिमेनिंग कैश फ्लो तो हो गया, उसको तो आप दिमाग में रखना नहीं है, उसका इंटरेस्ट मिल चुका है। 1 अप्रैल 22 को आप क्या बोलोगे, अब मुझे रिमेनिंग ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो रिमेनिंग ईयर्स क्या है, इस दिन से एक साल बाद, वहां लिखा है ईयर फोर, वहां लिखा है ईयर फोर, पर इस दिन से, बिकॉज आपका टाइमलाइन चेंज हो गया। ठीक है ना, मार्वल की सीरीज के जैसा ध्यान में रखो, अब आप यहां नहीं बैठे हो, अब आप यहां बैठे हो, तो अब आप पैरेलल यूनिवर्स में चले गए, दूसरी कहानी आ गई, वही यूनिवर्स नहीं है, दूसरा यूनिवर्स आ गया। ठीक है ना, आप लोग मार्वल देखते हैं इसीलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद वहां से समझे। तो 1 अप्रैल 22 से एक साल बाद आपको 40,000 मिलेंगे, और 1 अप्रैल 22 से दो साल बाद आपको पैसे मिलेंगे। इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये दोनों अलग अलग हैं। पहली वाली टाइमलाइन जो 1 अप्रैल 19 से थी हैज नथिंग टू डू विद सेकंड वाला टाइमलाइन जो 1 अप्रैल 22 से शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल 22 से एक साल बाद 40,000 और दो साल बाद 40,000। तो अब जब मैं वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही रहा हूं, तो मैं तो वापस से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा ना। ये ईयर वन ये थोड़ी बताता है कि ये फिक्स ईयर है, अपना इनकम टैक्स थोड़ी पड़ रहे हैं कि वो जो लॉन्ग टर्म कैप गेन का कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो फिक्स है, इस साल का यही इंडेक्स होता है, आप वो नहीं पढ़ रहे। हम जब 1 अप्रैल 22 पे आए तो वो बोलता है इससे एक साल बाद, यानी ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, ये बोलता है आप जहां भी खड़े हो वहां से एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, वहां से दो साल बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे अब ये दो पीवी फैक्टर्स लेना है अभी। ठीक वर्षा जी, समझ में आया, बताइए। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। चलो बढ़िया, सो नाउ मूविंग अहेड, ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बस अभी मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और बचा, वो 50% वाला, बाकी अपन ने सारे के सारे देख लिए हैं। चलो मूविंग अहेड, अपन आ जाते हैं एग्जाम क्वेश्चंस पे। मोस्टली हमें इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है मोस्टली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमटीपी आरटीपी में हो चुके हैं। सो वी आर इनटू नवंबर 19 पेपर क्वेश्चन नंबर 2A। हाँ बस वही गलती होती है वर्षा जी। ठीक है चलो, 2A 80,000 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 19, चार साल। मैंने आपको कहा था ना, देखो इंस्टीट्यूट ने एक बार एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, चार साल बोल के पांच साल का पी फैक्टर दे दिया था, 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करके आए थे। मैंने जब एग्जाम का वो लिया था रिव्यू पूरा का पूरा, जब मैंने पूरा सॉल्व किया था, तब स्टूडेंट्स ने इतने कमेंट्स किए, इतने व्हाट्सएप किए कि सर अब क्या, अब स्टेप मार्किंग भी नहीं मिल सकती ना, आप तो पहले स्टेप पे गलत हो गए। ठीक है, क्या लिखा है, चार साल का पीरियड दिया है, चार साल, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 19, चार साल। पीवी फैक्टर पांच साल का दे गई इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स ने पांचों साल का ले लिया। ये हम ध्यान नहीं देते ना, डेट पे कौन ध्यान देता है, अपन सीधा पीवी फैक्टर का टोटल ले लिए, गलती हो गई। आपको सिर्फ चार साल के पीवी फैक्टर ऐड करने थे। ठीक है, सो दिस वॉज द मिस्टेक मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। The debentures are due for redemption at a premium of 20%. 20% किसका, 80,000 into 100, 80,000 into 100 क्या 80 lakhs, 80 lakhs plus 20%,
96 लाख, तो 96 लाख रुपीस के ऊपर रिडीम होगा, कन्वर्टेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, 50% समझ रहे हैं आप, कन्वर्टेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, ऑप्शनल लिखा है क्या, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑप्शन है या कंपलसरी है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या कंपलसरी कन्वर्टेबल है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या कंपलसरी कन्वर्टेबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऑप्शनल कंपलसरी जो समझ में आ रहा है मुझे बताइए, कंपलसरी हाफ, वेरी गुड निखिल जी, बस यही चाहिए अपने को, मैं एक बोल रहा था लास्ट टाइप बचा है, ये लास्ट टाइप है, हाफ कंपलसरी कन्वर्टेबल है और बचा हुआ हाफ कंपलसरी कैश है, ठीक है। तो अब आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेंगे इसे समझिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूरा लेंगे, इंटरेस्ट पूरा लेंगे 80 लाख पे 8%, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 4 साल 12% इंटू 6.4 लाख प्लस पीवी फैक्टर 4 साल 12% मल्टीप्लाइड बाय, अब आप बताइए, मैं दो तीन ऑप्शन देता हूं, 96 लाख, 80 लाख, 96 का हाफ 48, 80 का हाफ 40, कौन सा सही है, मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए, 96 का हाफ 48, नहीं सॉरी 80 या 80 का हाफ या जीरो, सर कंपलसरी कन्वर्टेबल है, क्यों लेंगे प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू जीरो, कौन सा सही लग रहा है, बोलिए जो सही लग रहा है आपका, 8 यानी 80 ना निकेश जी, 80 लाख है, 8 लाख नहीं है, 80 लाख, देखिए अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल होता है तो प्रिंसिपल नहीं लेते, कितना नहीं लेते, जितना कंपलसरी कन्वर्टेबल है, बाकी तो आप कैश दे रहे हैं, आपको पता है ना, बाकी तो आप कैश दे रहे हैं, ठीक है, कितना बाकी का कैश आप दे रहे हैं, 50% कैश देंगे ना आप, 50% इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, बैलेंस टू बी सेटल्ड इन कैश है ना, तो जो कैश देने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू तो लेना पड़ेगा, कितना कैश देने वाले हैं, कितना कैश देने वाले हो, आपने शेयरहोल्डर्स को क्या बोला, शेयरहोल्डर नहीं डिबेंचर होल्डर्स को बोला देखो प्रीमियम के साथ देंगे, प्रीमियम के साथ, पहले प्रीमियम फिक्स कर दिया 96, अब 96 में आप लोग बोल रहे हो देखो ये 96 में से 50% तो इक्विटी देंगे, 96 में से 50% इक्विटी देंगे कंपलसरी, उसको डिस्काउंट नहीं करना है, 50% इक्विटी देंगे वो डिस्काउंट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, बचा हुआ 50% कैश देंगे, बचा हुआ 50% कैश देंगे, वेरी गुड वर्षा जी, समझिए किरण जी, समझिए निकित जी, बचा हुआ 50% कैश तो देना है ना, जो देना है कंपलसरी वो तो लाइबिलिटी है, जो देना है कंपलसरी वो तो लाइबिलिटी है ना, ये तो हम जानते हैं कि उसको तो लाइबिलिटी बोलते हैं, तो इस केस में वो लाइबिलिटी हो जाएगा 48 ले लेंगे, समझ गए, ये चाहिए आप लोगों से, ये एक्सपेक्टेड आप लोगों से, 50% कन्वर्शन मैंने आपको कहा था, ये लास्ट टाइप है, इसके साथ अपने सारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाते हैं, जितने टाइप्स थे सारे कवर हो जाते हैं हमने, ठीक है, चलो कभी भी ये फ्यूचर ये वाले वीडियो को ना मार्क करके रखिएगा, आप लोग मार्किंग वगैरह कर सकते हैं जो उसमें, कि दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कभी भी फ्यूचर में कंफ्यूजन हो ये वाला वीडियो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए देख लेना, अपन ने इसको एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, चल सो ओवर हियर, अब मैं लिख लेता हूं पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है 6.4 लाख मल्टीप्लाइड बाय, यही लिख देता हूं ना, इधर उधर क्या लिखना है, यहीं पे लिख देता हूं 6.4 लाख मल्टीप्लाइड बाय
3.001 प्लस 48 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.625, ठीक है, ये करना है, ये याद रखिएगा। निकल ₹49,20,640, वेरी गुड किरण जी, वेरी गुड। तो डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट हमने बता दिया, ये हो गया डेट, बचा हुआ हो जाएगा इक्विटी। बचा हुआ इक्विटी कैसे निकालोगे बताओ, 80 से माइनस करके कि 96 से माइनस करके या 48, जो भी ठीक लगे। इक्विटी कैसे निकालोगे, 96 से माइनस करोगे, 80 से माइनस करोगे, 48 से माइनस करोगे, 40 से माइनस करना है, 40 से करोगे, किससे करोगे माइनस। इक्विटी कैसे निकालोगे, इक्विटी किससे माइनस करके निकालोगे, एट्टी से। वेरी गुड वर्षा जी, यस, बस ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, समझ गया पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेके कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, बंद कर देता हूं इसको मैं, कोई भी डाउट होगा तो बोलना मुझे। अपन आते हैं एग्जाम में 19, अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी सॉल्व करना है। देखो क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड 10%, अच्छा कंपल्सरी क्यूमुलेटिव, कंपल्सरी क्यूमुलेटिव शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 12,500 शेयर्स एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, ठीक है। अच्छा इसमें ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया है, ये नया है, ये अपने को पढ़ना है अभी। मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आता हूं, कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपने 50,000 इशू किया एट 180 ईच, 50,000 एट 180 ईच कितना हुआ बताइए, मैं ही बता देता हूं, 90 लाख। बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछता मैं आपको, ठीक है, गोइंग कंसर्न, आपने नाम बहुत अच्छा रखा है जी, 90 लाख। अब ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, इंटरेस्ट आप दे रहे हैं 10% और मार्केट रेट है 15%। मुझे फटाफट डेट और इक्विटी का स्प्लिट बता दीजिए फटाफट, मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, 2 मिनट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे बस ये बताइए इसमें डेट कितना और इक्विटी कितना है। सर कल मैंने जैन पेपर का इंडियस 115 का क्वेश्चन देखा, तो मैंने सेम चीज फ्रेंड्स को बताया तो वो एग्री नहीं कर रहे थे कि ये सही है, दे वर सेइंग दैट वी रिक्वायर टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू लिया है, हमने तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू लिया है ना विक्रम जी। मैंने जो वीडियो बनाया था इंडियस 115 वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इंडियस 115 वाला जो हमने ऑल आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस करके जो वीडियो लिया, उसमें सबसे लास्ट हमने जैन 21 का क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक बार देखिए, मैंने उसमें समझाया है विद जर्नल एंट्रीज कि कब कब क्या क्या जर्नल एंट्री होगी, 1 अप्रैल को, 30 सितंबर को, 31 मार्च को, एक बार देखिएगा वो वाला पार्ट, देखिए वहां जर्नल एंट्री से आपको समझ जाएगा, वही आंसर है। फिर उसके बाद कोई भी कुछ भी बोले, आंसर वही है जो मैंने वहां पर दिया है, ठीक है। चलो तो आप लोगों का आंसर अभी तक आया नहीं है, मैं लिख लेता हूं, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.3521 सिर्फ इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ₹30,16,890। वेरी गुड किरण जी, वेरी गुड। ये हो गया डेट, इक्विटी, इक्विटी 90 लाख के डिफरेंस से निकल जाएगा,
59,83,110, ये हो गया आपका 90 लाख रुपीज का टोटल। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये है डेट, ये है इक्विटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है इसमें, एक मिनट ये बंद कर देता हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है 2% 90 लाख का, 90 लाख का 2% 1.8 लाख, 1,80,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया। सीधी बात है, हमने जो भी पढ़ा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा एडजस्ट होता है, पीएल में नहीं जाता। इक्विटी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्विटी से एडजस्ट होता है, डेट का ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेट से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो 90 लाख में से 1,80,000 माइनस हो जाना चाहिए, 88,20,000, ठीक है। सर दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन YouTube, हाँ ये YouTube पे रहेंगे, ये सब वीडियोस YouTube पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेंगे, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो 88,20,000, आई होप इट इज क्लियर, समझ गया होगा आप लोगों को। सवाल उठता है इसमें से कितना डेट में से माइनस करूं और कितना इक्विटी में से माइनस करूं, कितना डेट में से कितना इक्विटी में से, ये आंसर आप सब लोग जानते होंगे, बता दीजिए मुझे। मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब इतने पहले आ चुका था कि रफली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने किया ही है इसको, वेरी गुड, प्रोपोर्शनेटली बांटना है, बस इतना याद रखिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में फेयर वैल्यू कंसेप्ट लग ही नहीं सकता, कोई फेयर वैल्यू कंसेप्ट नहीं हो सकता, इसलिए प्रोपोर्शनेट बांट देना है, जहां कोई कंसेप्ट नहीं होता है वहां प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3016,890,60,338, वेरी गुड किरण जी, वेरी गुड, 1,196,622,5,86,552,5,86,3,448, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अब डेट कंपोनेंट पे इंटरेस्ट का रेट 12% नहीं रहेगा, 15% नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, थोड़ा हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि 15% से तो प्रेजेंट वैल्यू ये आती है। अब अगर आप इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहेगा वो आप ब्लू पेन पे लिखे हुए अमाउंट पे करते हो ना, आप टेबल तो ब्लू पेन कलर वाले के ऊपर बनाते हो, पर प्रेजेंट वैल्यू 15% से तो येलो कलर वाली आई है, समझ गए। तो इसीलिए आप 15% से बात नहीं बन सकती, आपने अमाउंट चेंज कर दिया है। सो उन्होंने रेट दिया है, आपको वही रेट लेना है, एग्जाम में आपको IRR निकालने नहीं बोलेगा वो, इट इज IRR 15.86% से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा ऑन 2,956,552। उन्होंने शायद ये पूछा है, पहले तो डेट और इक्विटी का स्प्लिट बताओ, अरेंजमेंट का एंट्री बताओ, टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन, नहीं उन्होंने मांगा ही नहीं है 15.86 का, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। अगर ईयर एंड मांगता, फर्स्ट ईयर एंड की जर्नल एंट्री बताओ, फर्स्ट ईयर एंड की जर्नल एंट्री बताओ, तो आप इंटरेस्ट लेते इस अमाउंट पे एट 15.86%, बताइए। ये बात समझ में आई क्या, बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। और चैनल अगेन बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं रोज 10 बजे लाइव आऊंगा। मुझे समझ में आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी भी आर्टिकलशिप के दौरान हैं, मतलब आर्टिकलशिप कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू है, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताइएगा, हम लोग इवनिंग टाइम पे शिफ्ट कर लेंगे, 5:30 या 6 PM स्टार्ट कर देंगे हर रोज के सेशन, हमें हर रोज सेशन लेना है। अगर आपका यही कंसर्न है कि नहीं यार ऑफिस रहता है ये टाइम पे, तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग टाइम रहे तो अर्ली मॉर्निंग टाइम भी मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिएगा चैट बॉक्स में, आप लोग बता देंगे, चैट बॉक्स मेरे लिए बार बार देखना पॉसिबल नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइमिंग चेंज करना है, आई विल चेंज द टाइम अकॉर्डिंगली। कल भी मैं यही टाइम पे रहूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे का पूरा शेड्यूल चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके तो चलिए, इसके साथ अपना मई 19 हो गया, नवंबर 18 का पेपर है ये। अब आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, देखो 120 लाख, 5 years 10%, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 12% है, ठीक है।
In this case, loan is granted to Old Limited at below market rate. India's 109 requires financial asset, financial liability to be measured at fair value. अब ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है उस समय का, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है. उन्होंने बोला हमने 10% पे दिया, मार्केट रेट 12% है, तो फेयर वैल्यू बताइए. फेयर वैल्यू बताइए बस, और कुछ नहीं. 12% से डिस्काउंट करके फेयर वैल्यू निकाल देंगे. ठीक है, 12% से डिस्काउंट करके फेयर वैल्यू निकाल देंगे. कुछ है नहीं इसमें खास, इसे बंद कर देता हूं. May 18. अच्छा, ये डेरिवेटिव्स है. डेरिवेटिव के लिए मैं अलग से एक पूरा का पूरा सेशन लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए. एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है. एम्बेडेड डेरिवेटिव के लिए मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ये क्वेश्चन आज नहीं लेते, पर ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं. एम्बेडेड डेरिवेटिव का एक पूरा स्पेशल सेशन लूंगा उसके लिए. ठीक है, मूविंग एट एक MTP August 18 है. ये देखिए, ये वो बायबैक वाला है. 1 April 14 पहले इशू किया, फिर 1 April 17 525 आपने बायबैक किया. MTP का क्वेश्चन है. अब ये देखो, यही एग्जाम में आया था, तो आप लोग समझ गए होंगे. पहले MTP में आया, बाद में एग्जाम में आया. MTP क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, मैं बस ये बता रहा हूं, और कुछ नहीं. ठीक है, तो इसके साथ अपने सारे क्वेश्चंस हो गए. आज का वीडियो तो डेडिकेटेडली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही था. ठीक है, कल हम लोगों ने बाकी के सारे क्वेश्चंस देखे थे. तो इसके साथ अपन दो पार्ट्स खत्म करते हैं. कल 10 बजे शेयर बेस्ड पेमेंट. ठीक है, कल से शेयर बेस्ड पेमेंट पूरा का पूरा हम लोग शुरू कर देंगे. फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अभी ना पूरे के पूरे हार्ड वाले चैप्टर्स पहले फटाफट खत्म करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इजी वाले चैप्टर्स खत्म करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर बोलिए कि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करें. देखिए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना बेनिफिट है. मैं एंड तक के सेशंस फ्री ही लेने वाला हूं, मैं आपसे चार्जेस नहीं लूंगा. ठीक है, पिछले 6 महीने भी मैंने ये सेशंस फ्री लिए हैं, मैं अब भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला हूं. ठीक है, चलिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू टुमारो सेम टाइम.